सुशांत की फ्रेंड क्रिजैन का फूटा गुस्सा। रिया चक्रवर्ती पर क्रिजैन ने लगाए कई इल्जाम। क्रिजैन कर रही है सीबीआई इंक्वायरी को सपोर्ट। सुशांत से दूरी बनाने का क्रिजैन को हुआ अफसोस। तो आखिर क्या कहा क्रिजैन ने, आइए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की कॉलेज फ्रेंड क्रिजैन बरेटो ने पिंक विला से इस मामले में बात की है और रिया चक्रवर्ती को जमकर खरी खोटी सुनाई है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी लगातार सीबीआई जांच के लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन मामले से जुड़ी रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच की खिलाफत की है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला मुंबई पुलिस को ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ये हादसा मुंबई में हुआ है। वहीं अब पिंक विलास एक्सक्लूसिव बातचीत में क्रिजैन ने रिया पर साधा निशाना और कहा, सुशांत सिंह राजपूत और मेरे कई सारे कॉलेज फ्रेंड्स थे और हम खूब पार्टी करते थे। वो हमेशा हमारे बारे में पूछता रहता था कि हम कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। हर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था क्योंकि वो अच्छा इंसान था। मुझे सीबीआई पर पूरा भरोसा है, मैं आंखें बंद करके भी उन पर भरोसा कर सकती हूँ। मुझे खुशी है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को आखिरकार न्याय मिलेगा, ये उनका हक है। क्रिजैन बरेटो ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी सवाल खड़ा किया है। ये चौंकाने वाली बात है कि रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच की खिलाफत की है। सुशांत की गर्लफ्रेंड होने के नाते उसे तो खुश होना चाहिए कि ये मामला सीबीआई के पास जा रहा है। अप्रैल 2019 से वो सुशांत के साथ टच में नहीं थी। मैं नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ। हम लोग काफी समय से बात नहीं कर रहे थे। हमारी आखिरी मुलाकात के बाद हमने बात ही नहीं की थी। सुशांत ने कॉल का रिप्लाई करना बंद कर दिया था और उसने अपना पता भी बदल लिया था। हमें नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें उससे बात करनी चाहिए थी। आगे क्रिजैन ने ये भी बताया कि हमें ऐसा पता चला कि सुशांत रिया के साथ कोई फिल्म कर रहा है, सो वो लोग काफी खुश होंगे साथ, सो इसलिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। पर अब लगता है कि हमें उन्हें परेशान करना चाहिए था। आपकी क्या राय है इस मामले में, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए टेली मसाला।